आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। गौवंश को लेकर हर तरफ विरोध है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गोबर व गौमूत्र का सही प्रयोग कर मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसा ही कर दिखाया है आदित्यपुर की रहने वाली सीमा पांडे ने। इन्होंने गाय के गोबर से बने लक्ष्मी गणेश, धूप बत्ती व अन्य इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की धूम मचा रखी है। वो कहती है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए यह प्रयोग बहुत ही कारगर साबित होगा। सरकार के इस अभियान को ऊंचाई तक ले जाने के लिए जलाई गई मसाल की लौ तेजी से बढ़ रही है। इनका दावा है कि क्षेत्र के लोगों का रुख इस ओर करके उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे। गोबर से बनेंगे सभी उत्पाद। इस बार दिवाली से पूर्व गौशाला में गोबर एवं प्राकृतिक रंगों से बने लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां तथा विभिन्न रंगों व आकृतियों के आकर्षक दिए, श्री, स्वास्तिक एवं शुभ लाभ आदि बनाए गए हैं। यहां बने उत्पाद पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते। प्रयोग के बाद इन्हें घर के गमले में रखने से कुछ दिन में बहुत अच्छी जैविक खाद में बदल जाते हैं। उन्होंने बताया कि इनके निर्माण में थोड़ी मेहनत है, लेकिन खुशी है कि गाय के गोबर से इतना सुंदर सामान बन पा रहा है। दिवाली के पहले ही तैयारियां शुरू होने लगती हैं। इस दिवाली के शुभ अवसर पर अगर आप अपने घर को कुछ नया और डिफरेंट लुक देने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में इस बार की दिवाली कुछ अलग होगी। लोगों को गोबर से बने दिए, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां मिलेगी। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने अब अपनी गाय के गोबर का सहारा लिया है। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। पिंकी जी, क्या बन रहा है ये दिवाली को देखते हुए? गोबर, गाय माता के गोबर से हम लोग दिया बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, और इससे डेकोरेशन के लिए जो सामान है ये सब बन रहा है। तो सीमा जी हम लोग को रोजगार दे रही हैं और हम लोग जो है इसका उपयोग करके बना रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारे गाय माता को बचाना, क्योंकि रास्ते में ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग सब, तो उसको बचाने के लिए हम लोग इसका उद्देश्य है कि हम लोग इसको बचाया जाए। और क्या बना रही हैं जी? मैं देसी गौ माता के गोबर से लक्ष्मी गणेश, शुभ लाभ, दिया, धूप बत्ती ये सब हम लोग बना रहे हैं। क्यों? ये मेन हम लोग का मकसद है गौ माता को बचाने का, देसी गौ माता को। आज के समय में गौ माता जो है हमारे देश की अपनी, वो विलुप्त होते जा रही हैं, तो उनको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, दूध तो यूज करते हैं और जब दूध देना बंद कर देती है तो छोड़ देते हैं। रोड में जाने से हर जगह जगह गौ माता के कारण एक्सीडेंट भी हो रहा है, दिक्कत भी आ रहे हैं और गौ माता को भी नुकसान हो रहा है, कसाई खाना जारी करते, तो इसके कारण हम गोबर और गौमूत्र से प्रोडक्ट बनाना चालू किए हैं। और इसमें क्या है कि आपका गौ में बसते लक्ष्मी, लोग जैसे कहते हैं उसके हिसाब से गोबर में लक्ष्मी जी का वास भी है और गोबर से सारा चीज़ बन भी रहा है। चाहती हूँ मैं हम लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जाने, इसे यूज करें और गौ माता का सहयोग करें। अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो इससे क्या है कि जहाँ जो लोग गौ माता पाल रहे हैं, जहाँ दूध नहीं देती हैं, फिर भी लोग बोलेंगे एक बेकार हो गई हैं, पर अगर उनके गोबर गौमूत्र से इनकम मिल रहा है तो लोग उसे पालना चाहेंगे कि चलो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।